ने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया। कहाँ चले गए थे? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय यहाँ विराजे हैं, कल की जो डॉक्टरों की लिस्ट आई है उसमें मेरी विधानसभा में अंटाली, बदनौर, गुलाबपुरा, आसिन सब जगह आपने डॉक्टर दिए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ जगह खाली है। मेरा निवेदन, आप बहुत संवेदनशील मंत्री हैं, भले आदमी है, मेरा निवेदन है आपसे, जो खाली जगह है उनको आप भरें, आपकी कृपा होगी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से, आदरणीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा, कोविड सहायकों की पीड़ा को भी आपको समझना पड़ेगा। कोविड सहायक जो 27,000 कोविड सहायक राजस्थान में घर पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उस समय सरकार का और राजस्थान प्रदेश की जनता का सहयोग किया जिस समय हम सब लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए थे, सोए हुए थे। मेरा निवेदन रहेगा आपके माध्यम से कि कोविड सहायकों के लिए भी आप एक कोई एजेंडा बना करके उनकी आप सुनवाई करें। आपने जनता क्लिनिक वाली बात करी, आदरणीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा, मेरी विधानसभा में एक भी जनता क्लिनिक अब तक चालू नहीं हुआ है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा, आप उस पर भी थोड़ा गौर करें। और चिरंजीवी योजना में आपने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख से 25 लाख रुपए की है। मैंने बजट में भी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया था, आज भी कर रहा हूँ। अगर ये योजनाएं जो घोषणाएं विधानसभा के इस पवित्र सदन में करी है, आचार संहिता से पहले ये सारी घोषणाएं अगर धरातल पर उतरेगी तो आपका भी भला होगा और राजस्थान प्रदेश की जनता का भी भला होगा। मेरा ये निवेदन आपसे रहेगा। इसमें चिरंजीवी योजना में थोड़े सुधार की जरूरत है, मॉनिटरिंग की जरूरत है, विशेष तौर से चिरंजीवी में, विशेष तौर से जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का जो व्यवहार होता है वास्तव में वो बहुत खराब व्यवहार होता है, उनके साथ धक्का मुक्की तक हो जाती है और उनसे पैसा लूटा जाता है। ये मैंने स्वयं ने मेरी आंखों से भी देखा है। थोड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत है मंत्री महोदय, मेरा ये निवेदन रहेगा आपसे। एक आज पूरे दिन सदन में चिकित्सा पे चर्चा हुई, एक भी माननीय सदस्य ने सिलिकोसिस की बात नहीं करी। मेरा निवेदन रहेगा विशेष तौर से, सिलिकोसिस पे सरकार कोई भी रही हो, सब ने गंभीरता से काम किया है, लेकिन सिलिकोसिस मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो बदनौर एरिया है वो पूरा मंगरा एरिया है, वहाँ सिलिकोसिस के मरीज पेशेंट ज़्यादा है। सिलिकोसिस पे मेरा आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, आप एक ऐसा एक एजेंडा बनाएं जिसमें कम से कम 7 दिन नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक सिलिकोसिस का कैंप लगे, तो सिलिकोसिस के पेशेंटों को थोड़ा आराम मिलेगा, उनको राहत मिलेगी। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन भी रहेगा हाथ जोड़ करके, क्योंकि मेरे वहाँ बहुत ज़्यादा सिलिकोसिस के पेशेंट हैं। 15 दिन में एक कैंप एक उपखंड क्षेत्र में लग जाए जहाँ ज़्यादा पेशेंट है वहाँ, इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र आसिन हुडा में फूड इंस्पेक्टर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आज के दौर में जहाँ मिलावट का दौर है, हर दुकान में हर जगह मिलावटखोरी होती है और मिलावटखोर चारों तरफ आप सुनते भी हैं और अखबारों में भी आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आती है, घी पकड़ा जाता है, दूध पकड़ा जाता है, मावा पकड़ा जाता है, एक फूड इंस्पेक्टर की कमी है मेरे वहाँ, आप फूड इंस्पेक्टर लगा देंगे तो आपकी अति कृपा होगी और उनकी उनकी भी मॉनिटरिंग जरूरी है। आदरणीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा मंत्री जी से। अस्पतालों में मेरे यहाँ 3 CAC है, आसिन, हुडा, बदनौर, अस्पतालों में जो सफाई का जो ठेका होता है, आदरणीय मंत्री महोदय, जो पूंजीपति लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, वो ठेका ले लेते हैं सफाई का, साफ सफाई का, उसमें काम वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं, आधे से कम पैसे में वो लोग काम करते हैं, लगभग 60-70% पैसा वो ठेकेदार घर पे बैठे बैठे खा जाते हैं। मेरा निवेदन रहेगा एक एजेंडा बनाएं, कानून बनाना पड़े तो भी बनाएं, हॉस्पिटल में जो साफ सफाई का जो ठेका है वो कम से कम वाल्मीकि समाज को ही मिले, क्योंकि जब सरकार पैसा खर्च कर रही है तो वो पैसा 100% वाल्मीकि समाज को मिलना चाहिए, क्योंकि काम वही लोग करते हैं वहाँ। ये मेरा निवेदन रहेगा आपके माध्यम से। आसिंद CAC जो मेरे आसिंद शहर के बीच में है, चारों तरफ सकड़े रोड हैं, शहर की आबादी बहुत बड़ी है और कोई भी एम्बुलेंस या कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस या प्राइवेट गाड़ी कोई भी पेशेंट को लेके आती है तो उन गलियों में मेडिकल की दुकानें, किराने की दुकानें ये बहुत ज़्यादा है, रास्ता नहीं है आने के लिए, 3 रास्ते तीनों ही सकड़े हैं। बहुत सी बार पेशेंट को लाने में एक जगह जाम लगता है तो कम से कम आधा घंटा वहाँ पूरा हो जाता है। मेरा निवेदन है, पंचायत समिति की एक जमीन है आसिन शहर में जो हाईवे रोड पर है,
एक प्रस्ताव आप चाहेंगे तो मैं बनवा के दे दूंगा नगर पालिका से, आसिंद CHC को शहर के बाहर आप ले आएंगे और इसका कुछ फंड भी आप व्यवस्था कर देंगे तो आपकी अति कृपा होगी, क्योंकि वहाँ जो शहर के बीचों बीच CHC है हमें वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और आसिंद CHC को मेरी ये मांग रहेगी, जो 75 वार्ड की CHC है, आदर्श CHC है, उसको आप 100 बेड की करें, आप थोड़ा इस पर गौर करेंगे, क्योंकि आसिंद शहर के आसपास भीलवाड़ा 60 किलोमीटर पड़ता है मेरे वहाँ से, और ब्यावर भी 60 किलोमीटर पड़ता है, बीच में आसपास में 100-125 किलोमीटर के एरिया में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। आसिंद CHC को आप 100 बेड की करेंगे तो आपकी अति कृपा होगी। और मेरा एक विशेष निवेदन और रहेगा, आसिंद CHC को आप उप जिला अस्पताल घोषित कर देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। ये मेरा हाथ जोड़ करके व्यक्तिगत निवेदन है। और आदरणीय सभापति महोदय, ट्रॉमा सेंटर की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है। ट्रॉमा सेंटर मेरे आसिंद में जगह नहीं है, आप एक आदेश निकालें, आदेश निकाल करके नगरपालिका के नाम से ट्रॉमा सेंटर के लिए जगह वहाँ मिल जाए और वो ट्रॉमा सेंटर भी खुल जाएगा, क्योंकि वहाँ मेरे 2 हाईवे रोड है। आदरणीय सभापति महोदय, 2 हाईवे रोड है, एक NH 148 भी मुनियारा, एक NH 158 मांडल रास, वो हाईवे रोड है, वहाँ ट्रॉमा सेंटर की अति आवश्यकता है, तो आप इस पर भी थोड़ा करेंगे, गौर करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। एक मेरे वहाँ मालाश्री देवनारायण भगवान का मंदिर है, मालाश्री देवनारायण भगवान की जन्मस्थली है, प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु आते हैं, मेरे सवाई भोज भी वहीं रास्ते में ही आता है, सवाई भोज, मालाश्री और बंकिया रानी माता जी, तीनों ही जगह लाखों की तादाद में प्रतिवर्ष लोग आते हैं। मेरा निवेदन रहेगा व्यक्तिगत, मालाश्री में जो एक पंचायत हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ा एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ अभी 28 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी वहाँ कार्यक्रम हुआ है, आप एक PSC की घोषणा कर देंगे इसी सत्र में तो आपकी बहुत ही अति कृपा होगी। और मैंने बहुत सी बार आपसे निवेदन किया था, मेरी मांग भी है, कंवलियास ब्राह्मणों की शरीरी, कंवलियास गुलाबपुरा से भिलवाड़ा के बीच में एक 60 किलोमीटर का जो गैप है, उसके बीच में कंवलियास गाँव है, 60 किलोमीटर के एरिया में एक भी PSC नहीं है। आदरणीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन रहेगा आपसे हाथ जोड़ करके, कांवड़ियास ब्राह्मणों की शरीरी को आप CHC की में घोषित करेंगे तो अति आपकी कृपा होगी, क्योंकि दोनों हाईवे पे है और कांवड़ियास तो 6 लेन पे है, वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, भिलवाड़ा वहाँ से बहुत दूर पड़ता है। कांवड़ियास और ब्राह्मणों की शरीरी, ये दोनों मुझे CHC आप दे देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। और बरसनी, मैंने पिछले दिनों भी यहाँ मांग करी थी, बरसनी एक ग्राम पंचायत है, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत, 8,000 वहाँ वोट है और 21 मजरे ढाणियाँ लगते हैं माननीय मंत्री महोदय, और 15-20 किलोमीटर के एरिया में कोई भी वहाँ PSC नहीं है, आसिंद शहर से भी वो गांव 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। मेरा निवेदन रहेगा बरसनी और एक बादसी अरावली की पहाड़ी पे बसा हुआ ग्राम पंचायत है, वहाँ 40 गांव है, 2 पंचायत है, रतनपुरा और बादसी, दोनों में मतलब नीचे से 15 किलोमीटर की चढ़ाई है, पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं, 40 गांव वहाँ बसे हुए हैं, बादसी में भी एक PSC की आवश्यकता है, बदनोर बादसी, बरसनी बादसी और कटार, तीनों ही जगह आप मुझे PSC दे देंगे तो आपकी अति कृपा होगी, क्योंकि अति आवश्यकता है इन तीनों ही जगह, जहाँ जरूरत होगी मैं वहीं मांगूंगा। माननीय मंत्री महोदय, आपल्यास और मरेवड़ा, ये दोनों ही गांव बॉर्डर पे है, आपल्यास शाहपुरा के बॉर्डर पे है और मरेवड़ा मांडल के बॉर्डर पे है, करड़ा के पास में, वहाँ चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, दोनों जगह आप सब सेंटर की घोषणा कर देंगे इसी सत्र में तो आपकी अति कृपा होगी। आप ऐसे मंत्री हैं आदरणीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन रहेगा आपसे, आप बहुत संवेदनशील है, आप जनता के दुख दर्द को भी समझते हैं, मैं आपसे 2-3 बार मिला भी हूँ, आपसे मैंने जो भी मांगा आपने दिया, और ये तो एक चिकित्सा की बात है, चिकित्सा की मांग है। आदरणीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कम से कम एक एजेंडा तो ऐसा कॉमन हो, ऐसा एजेंडा कॉमन हो जिसमें सब जो माननीय सदस्य मांगते हैं उनकी मांग पूरी की जाए, चिकित्सा तो सबके लिए है, राजस्थान प्रदेश की जनता आपके भरोसे ही है, आप मेरी मांग को पूरा करेंगे ऐसा मेरा मानना है। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।